सो नेक्स्ट चार्ट है हमारा पाई चार्ट। सो पाई चार्ट बेसिकली आपका डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कार मैन्युफैक्चरर है और उसको जानना है कि सबसे ज्यादा जो कार की उनकी सेलिंग होती है वो कहाँ से होती है, मतलब कहाँ पे सबसे ज्यादा कौन से मतलब सेगमेंट से आता है, प्रीमियम कार से आता है, जो बेसिक कार है सबका अलग अलग रेंज है, अलग अलग टाइप है। सो कार ए से बिजनेस ज्यादा आ रहा है, कार बी से ज्यादा आ रहा है, या फिर आपका कोई बिजनेस है इंडिया अक्रॉस में होता है, तो आपको जानना है कि कौन से स्टेट से सबसे ज्यादा बिजनेस आप जनरेट करते हो, तो वहां के लिए पाई चार्ट का बेसिकली यूज किया जाता है। तो पाई चार्ट में यहाँ पे जैसे ये देख सकते हो, उन्होंने दिखाया प्रॉफिट, सम ऑफ प्रॉफिट बाय शिप मोड, कौन से मोड से सबसे ज्यादा प्रॉफिट इनको आता है। तो इकोनॉमी ऑलमोस्ट 63% के आसपास प्रॉफिट इनको जनरेट करता है इकोनॉमी मोड, या फिर आप उसको सेल्स भी ले सकते हो, पैट ले सकते हो, जैसे आपको लेना है बिट्टा। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है बेसिकली। तो इसको हम लाइव ले लेते हैं, राइट, पाई चार्ट पे आ जाते हैं। तो पाई चार्ट आप देखोगे इधर पे ऑलरेडी क्रिएटेड है, सिंपल आपको शिप मोड और प्रॉफिट डालना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको छोटा करते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे शिप मोड पे क्लिक करना है, ये अपना पाई चार्ट पे क्लिक कर दिया मैंने, राइट, इसको बड़ा कर दीजिए, इसको बड़ा करना है। यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ सेल्स, या सेल्स देखना है, पैट देखना है, जो भी आप देख सकते हो। वैल्यूज में डालना है आपको न्यूमेरिकल डेटा, एंड सेगमेंट डालो, कैटेगरी डालो, या जो भी आपको डालना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेगमेंट यूज कर लेते हैं, वो सेगमेंट यूज कर रहे हैं, सेगमेंट करो मतलब कंज्यूमर, कॉर्पोरेट, ऑफिस, जो भी है, कहीं से भी आप जो यूज करना है। यहाँ पे हमने शिप मोड यूज किया था, यहाँ पे हमने सेगमेंट यूज कर लिया। तो कौन से सेगमेंट से सबसे ज्यादा बिजनेस आ रहा है कंपनी को, कंज्यूमर से आ रहा है, फिर आपका कॉर्पोरेट से आ रहा है, फिर आपका हेड ऑफिस से आ रहा है। तो ये आपको क्लियर आइडिया देता है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस कहां से कहां पे सबसे ज्यादा कंपनी का बिजनेस डिपेंडेंट है या कैश का बिजनेस, राइट।